अध्यात्मवाद और मानववाद का प्रचार करने वाले उज्जैन के पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने 24 फरवरी 2021 को झारखंड के रामगढ़ में देश और दुनिया के लोगों से आह्वान किया कि प्रेमियों, आप लोग अपना खान पान चाल चलन शुद्ध रखो ताकि आपकी वजह से किसी जीव को कोई कष्ट ना हो, किसी जीव को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। सन्मत यही बताता है, प्रेमियों खान पान सही रखो, चाल चलन सही रखो, आपको जो गुरु महाराज ने बताया, जो संत मत बतलाता है कि शाकाहारी रहो, हर जीव पर दया करो, आपकी वजह से किसी को कष्ट न हो, तकलीफ न हो, संत मत ये बतलाता है। आप तो कुछ लोग कहोगे, भाई मैं तो जानवरों को मारता नहीं हूं, मैं तो खरीद करके मांस लाता हूं खाता हूं, लेकिन आप अगर मांस खाने बंद कर दो तो जानवरों की रक्षा हो जाएगी। आप अगर लोगों को शाकाहारी बना लो, प्रेमियों आप अपने गांव के लोगों को शाकाहारी बना दो तो आपके आसपास के ही अनेक बकरे बच जाएंगे, मुर्गे बच जाएंगे, उनकी जान बच जाएगी, अपनी मौत मरेंगे, आराम से मरेंगे, नहीं तो तड़पते हुए मरते हैं, छटपटाते हुए मरते हैं, आवाज उस मालिक से लगाते हैं। तो कहा ना कि मत सता गरीब को और रो देगा, और उसका जब जब सुनेगा उसका मालिक जन से खो देगा। आप ये समझो बच नहीं सकते हो सजा से, कहा राम धरो के बैठ कर सबका मुजरा ले, और जाके जैसी चाकरी युवा को वैसा दे, अच्छे का फल अच्छा मिलता है, बुरे का फल बुरा मिलता है। कभी कभी देखो कहते हैं कि इतना सिर में दर्द हो रहा है कि सिर फटा जा रहा है, पैर फटा जा रहा है, बदन में इतना दर्द है कि तड़प पैदा हो रही है, तड़पता भी रहता है आदमी। तो जब तड़पा तड़पा करके मारोगे तब तड़पन होगी कि नहीं होगी, छटपटाहट होगी, बेचैनी होगी कि नहीं होगी। मुर्गा में मुर्गा को बंद कर दिया, बकरा को बंद कर दिया, चिड़ियों को जिनको मारकर खाते हैं, दरबा के अंदर पिंजरे के अंदर बंद कर देते हैं, खाने पीने को नहीं देते हैं, आप ये समझो कि पानी तक नहीं पिलाते हैं। और जब उनको यही रहता है कि हमको इनको मार ही देना है, जैसे ग्राहक आएगा तो काट देंगे, तो क्या दाना पानी देने का। अब वो जो भूखे होते हैं, जो तड़पते हैं, आपको क्या उससे पाप नहीं लगता है? आपको भी पाप लगेगा, आपको भी तड़पन पैदा होगी अंदर में, आप भी भूखे हो जाओगे, रहते हुए भी नहीं खा पाओगे, ऐसा संयोग बनेगा। तो आप इस चीज को क्यों नहीं सोचते हो कि कर्म प्रधान विश्व रचना खा जो जस 300 पैसा खा, ये कर्मों का फल देने वाला संसार है, और जो जैसा करेगा वैसा उसको भरना पड़ेगा। उंगली आपके कट जाए देखो कितना दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, छटपटाने लगते हो। ऐसे ही यही जीवात्मा मुर्गा में भी, भैंसा में भी, बकरा में भी, पक्षियों में, पक्षियों में यही है। तो उसको काटोगे तो दर्द होगा कि नहीं होगा?